नमस्कार दोस्तों आयकर संबंधी चर्चा की श्रृंखला में मैं आज का डिस्कशन लेकर के आया हूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एंड इनकम टैक्स तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की क्या फीचर्स हैं इसके क्या इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन हैं आज की वीडियो में सर इसी बात पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुख्य कवरेज क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कौन व्यक्ति इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं की फीचर्स इस स्कीम के की फीचर्स क्या क्या हैं टैक्स सेविंग ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप इस स्कीम में अंशदान करते हैं तो आपको क्या टैक्स सेविंग हो सकती है टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम जो सीनियर सिटीजन से होगी उसका क्या बेनिफिट होगा कैसे टैक्सेशन होगा टीडीएस एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी और टैक्सेशन ऑफ मेच्योरिटी प्रोसीड्स क्या रहने वाली है इन बिंदुओं पर हम आगे डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता हूं कि कौन व्यक्ति इस स्कीम के लिए एलिजिबल है एलिजिबिलिटी आएगी इंडिविजुअल्स ऑफ एंड अबाव द एज ऑफ 60 इयर्स जैसे ही आपकी उम्र 60 इयर्स या उससे ऊपर हो जाती है आप इस स्कीम में डिपॉजिट कराने के लिए एलिजिबल हैं इंडिविजुअल्स हु आर ऑफ 55 ऑफ एज बट हैव रिटायर्ड अर्ली अंडर सुपर इन और वॉलंट्री रिटायरमेंट स्कीम दे आर ऑल्सो एलिजिबल यानी आपने वी लिया है और आपकी उम्र पचपन या उससे अधिक वर्ष है साठ नहीं भी हुई तो भी आप स्कीम में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल दिस इज अंट टू बी नोटेड सर के आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिटायर्ड डिफेंस पर्सन अगर उनकी एज 55 फाइव इन सिक्सटी ईयर नहीं भी है और वो सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो भी इस स्कीम में अपने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन नॉन रेजिडेंट इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इस स्कीम में खाता खुलाने के लिए यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खुलाने के लिए एलिजिबल नहीं है यहां आपके सामने सर की फीचर्स रख रहा हूं इस स्कीम के मुख्य आकर्षण या मुख्य बिंदु क्या है गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम हेंस रिस्क ऑफ कैपिटल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आज की डेट में जहां कहीं पर भी आप देखेंगे तो ब्याज कमाने की या रिटर्न कमाने की तो बात छोड़िए इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन में सर मूल तक खो जाने का रिस्क है तो सीनियर सिटीजन के लिए सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी कैपिटल को किसी प्रकार का नुकसान ना हो कम से कम वो इंटैक्ट जरूर रहे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सर उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो सीनियर सिटीजन को अवेल करना चाहिए यहां पर सर क्वार्टरली इंटरेस्ट रीपेमेंट का ऑप्शन होता है जनरली अब तक मोस्टली रेट आठ परसेंट के आसपास रही है जिसे भारत सरकार हर क्वार्टर के लिए डिसाइड करती है लेकिन पिछले कुछ समय में क्योंकि डिपॉजिट रेटें कम हुई हैं तो लास्ट क्वार्टर के लिए सर जो रेट एप्लीकेबल थी वो सेवन पॉइंट फोर परसेंट एप्लीकेबल रही है भारत सरकार हर क्वार्टर में ये रेट डिसाइड करती है मिनिमम डिपॉजिट एक हजार रुपए की होगी सर और मैक्सिमम डिपॉजिट इस स्कीम में पंद्रह लाख रुपए तक की हो सकती है लेकिन आपको बार बार इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है आपको एक बार में ही लमसम इन्वेस्टमेंट करके इस स्कीम में जाना पड़ेगा आगे सुनिएगा सर इस स्कीम का टेन्यूर पांच साल का होता है लेकिन आप चाहें तो फर्दर एक्सटेंशन भी सर तीन साल के लिए किया जा सकता है साथ ही दोस्तों ये स्कीम पोस्ट ऑफिस में किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी खोली जा सकती है की फीचर्स को सर आगे कंटिन्यू करता हूं प्री प्रीमेच्योर विड्रॉल पॉसिबल आफ्टर वन ईयर ऑफ डिपॉजिट प्री प्रीमे विड्रॉल मे अट्रैक्ट पेनल्टी अपू वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट इफ विड्रॉन विद इन फर्स्ट टू ईयस एंड वन परसेंट इफ विद्रॉन बिटवीन सेकेंड टू फिफ्थ ईयर हवेवर अगर किसी व्यक्ति की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ पर जो प्री मेच्योर विड्रॉल होता है सर वहां पर किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगेगी साथ ही दोस्तों क्वार्टरली पेमेंट जो मैंने आपसे बात करी इसमें कुमलेटिव ऑप्शन नहीं है आपको क्वार्टरली पेमेंट होगा और क्वार्टरली पेमेंट की डेट रिस्पेक्टिवली फर्स्ट ऑफ अप्रैल फर्स्ट ऑफ जुलाई फर्स्ट ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट ऑफ जनवरी रहती है आप एक लाख रुपए तक की राशि सर इस स्कीम में कैश भी जमा करा सकते हैं और उससे ऊपर की राशि आपको थ्रू बैंक ट्रांसफर ही लानी पड़ेगी साथ ही दोस्तों इस स्कीम में नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और जॉइंट अकाउंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति रिटायर हुए उनकी एज सिक्सटी ईयर है उनकी वाइफ की एज से फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी एट ईयर है सो शी इज नॉट अ सीनियर सिटीजन इन द आईज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम तो वो दोनों मिलकर के यानी पहला जिसका नाम है उसकी एज सीनियर सिटीजन होनी चाहिए डिपॉजिट वो दोनों मिलकर के भी करा सकते हैं अब यहां बात करता हूं दोस्तों आपके साथ टैक्स सेविंग ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ी सिंपल सी बात है जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे डेढ़ लाख रुपए तक की सीमा में आपको सेक्शन एटीसी का डिडक्शन निश्चित रूप से मिलेगा लेकिन अगर आप नई रेट का ऑप्शन लेंगे जैसा कि वित्त वर्ष दो हजार से भारत सरकार ने एक ऑप्शन दिया है तो आपको यह पर्टिकुलर डिरेक्शन उस सूरत में नहीं मिलेगा टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करूं तो बहुत सिंपल है सर इंटरेस्ट इनकम जो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आएगी वो टैक्सेबल है हालांकि सीनियर सिटीजन को जो कि रेजिडेंट हैं उनको ए में भारत सरकार पचास हजार रुपए तक का डिडक्शन देती है तो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो ब्याज आता है वो उस पचास हजार रुपए की डिडक्शन की लिमिट के लिए क्वालिफाई करेगा अगर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी की बात करूं दोस्तों तो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट पर है प्रोवाइडेड आपको पचास हजार रुपए से ऊपर का ब्याज एक वर्ष में रिलेवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहा है हालांकि यदि आप चाहते हैं कि आप पर टीडीएस तो एप्लीकेबल नहीं हो तो आप फिफ्टीन एच फॉर्म सबमिट करें उस परिस्थिति में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा टैक्सेशन ऑफ मेच्योरिटी प्रोसीड निश्चित रूप से सर क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट है वो जैसे जैसे क्वार्टरली मिलता गया है टैक्सेबल हो गया है तो मेच्योरिटी के समय आपको एक फाइनल इंटरेस्ट मिलना है लास्ट क्वार्टर का और आपका मूल मिलना है तो मूल अमाउंट टैक्सेबल नहीं है और इंटरेस्ट जो रेगुलर कोर्स में टैक्सेबल होता है उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज हो टैक्स संबंध में या इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में आप मुझे निश्चित रूप से पूछ सकते हैं मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज का जवाब दे सकूं मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद